इस समाचार के प्रायोजक है ताज बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है, यानी इस देश के नागरिक वीजा के बिना ही 192 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। बांग्लादेश की राजधानी में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में लोगों ने 13 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। वहां विपक्ष की बुलाई गई रैली में पहुंचे इन लोगों ने शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की। वारिस पंजाब ने चीफ अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया है। किरणदीप कौर यूके जाने के लिए फ्लाइट लेने पहुंची थी। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया यानी INDIA रखे जाने के बाद असम के CM ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत कर लिया। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। उज्जैन में महाकाल सवारी के दौरान छत से थूकने वाले आरोपी का घर प्रशासन ने बुधवार सुबह बुलडोजर से गिरा दिया। सुबह 10 बजे नगर निगम और पुलिस की टीम ढोल और DJ लेकर घर गिराने पहुंची थी। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में 4 इंच तक पानी गिर सकता है। आगर मालवा के लिए अति भारी बारिश का अलर्ट है, यहाँ 8 इंच तक पानी गिर सकता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल से शुरू हो रहा दूसरा टेस्ट मैच भारतीय स्टार विराट कोहली के करियर का 500वां इंटरनेशनल मुकाबला होगा। विराट इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाले भारत के 4थे और दुनिया के 10वें खिलाड़ी बनेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का पहला मुकाबला 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी शहर में होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया ड्राफ्ट शेड्यूल ACC को भेजा है। जानवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म बवाल की बीती रात मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस इवेंट में तमन्ना भाटिया, हुमा कुरैशी, आयुष शर्मा, बोनी कपूर, नोरा फतेही और पूजा हेगड़े समेत कई सितारे शामिल हुए, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने एक फर्जी कपल के बारे में जिक्र करते हुए उन्हें फेक न्यूज फैलाने के लिए क्रिटिसाइज किया। We'll be right back.